क्लासेस, आज हम लोग अपना जो सेवन चैप्टर स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने उसका फर्स्ट पार्ट देखा। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। जनरली लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेदर के बारे में समझा, वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में समझा, क्लाइमेट के बारे में समझा कि अगर कोई भी प्लेस का वेदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रह जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं 25 ईयर्स के लिए, तो प्लेस को हम उसका क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान के का मैंने हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया उसमें। आज हम लोग देखेंगे क्लाइमेट और उसके अडेप्टेशंस के बारे में। क्लाइमेट के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्लेस का जो क्लाइमेट होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब कि जहाँ का वो रहने वाला है, जैसे हम लोग जो है बिहार, बिहार की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है गर्मी के समय में, और ठंड में भी हल्का फल्का ठंड, या हल्का नहीं बोल सकते, थोड़ा ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। तो हम लोग इस माहौल के हिसाब से, इस क्लाइमेट के हिसाब से, इस वेदर के हिसाब से, इस हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिए। तो उसी तरीके से कुछ सर्टेन एनिमल्स की बात करें, जिन लोग क्या करते हैं, जो जैसे क्लाइमेट में रहते हैं अपने आप को उसी कंडीशन में अडेप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि माहौल में ढल जाते हैं, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कुछ पर्टिकुलर रीजन का, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ पे उनके बॉडी पे फर ज़्यादा होता है, ताकि उनके वो कोल्ड से क्या कर सके, बच सके, कोल्ड से क्या कर सके, बच सके। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे हर जगह के बारे में। जैसे जनरली पोलर रीजन के बारे में हम लोग चलेंगे कि पोलर रीजन में क्या होता है। तो आपको पोलर रीजन का मतलब होगा, आपको पता होगा पोलर रीजन किसको बोलते हैं। जैसे कि हम अगर ग्लोब की बात करिए, ग्लोब है, ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल का रीजन है, ये आपका साउथ पोल हुआ, ये आपका नॉर्थ पोल हुआ। ठीक है, ये आपका जो रीजन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, यहाँ क्या होता है, एक्सट्रीमली क्या होता है, कोल्ड होता है। क्या होता है यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ आप बोल सकते हैं यहाँ जो होता है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा माइनस में होता है यहाँ का टेम्परेचर। ठीक है, उसके साथ साथ पोलर रीजन वैसे रीजन को बोलेंगे जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करेगा, सराउंड करेगा, यानी कि वैसा एरिया अर्थ का हिस्सा को क्या करेगा, सराउंड करेगा। कौन से हिस्से को? नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को, उसको हम लोग पोलर रीजन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट जो होता है जनरली कैसा होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब सारे साल तक क्या होता है, ठंडी यहाँ रहती है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, रिसीव्स हैवी स्नो। ठीक है, यहाँ पे सन जो होते हैं 6 महीनों तक निकलते नहीं है पोलर रीजन में। देखिए, सोचने वाली बात है, जहाँ पे 6 मंथ तक सन नहीं निकलता है। और यहाँ पे देखिएगा, द टेम्परेचर इन द पोलर रीजन कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर माइंड करने वाली बात है, -37 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो कि ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं, तो मेनली जो इंपॉर्टेंट होते हैं पोलर बियर्स और पेंगुइन्स होते हैं। ठीक है, पोलर बियर्स और पेंगुइन्स, उसके साथ साथ कुछ और भी एनिमल्स मौजूद होते हैं जो कि मतलब अलग से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन, ये बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स की, तो उसमें हम पोलर बियर और पेंगुइन्स को लेते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गए, ऑक्सन हो गए, मस्क हो गया, रेनडियर आपको पता ही होगा। ठीक है, बड़े बड़े सींग वाला फॉक्स, व्हेल, सील्स, ये सब क्या है, अदर एनिमल्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को इस प्लेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिए हैं कि हमको इसी कंडीशन में क्या करना है, सर्वाइव करना है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन से देखें, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति के हिसाब से, तो 3 तरीके के लोग मिलते हैं यहाँ पे। एक तो मिलते हैं रिच, एक मिलते हैं मिडिल क्लास, और एक मिलते हैं एवरेज, इसको पुअर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो रिच है वो भी कि उसका नीड्स किसी और चीज़ के वजह से क्या होता है, फुलफिल होता है, और वो हैप्पी रहता है। मतलब कि उनका शौक होता है कि हम बड़े बड़े चीज़ें मेरे पास हों तो वो जाके हैप्पी हैं। मिडिल क्लास वाले उनको उस लेवल का सोर्स ऑफ इनकम में ही खुश हैं, और पुअर वाले जो उनको 3 टाइम का खाना मिल जा रहा है उसमें भी खुश हैं। तो वो सब सब ने अपने आप को अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से क्या कर लिया है, डाल लिया है, तो उसी हिसाब से हम लोग जीते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी आपका सेम कंडीशन आपका लागू होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर या क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, वो अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, अडेप्ट कर ले रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लाइमेट पे या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि हमको इसी टेम्परेचर में क्या करना है, सर्वाइव करना है। जैसे लियोपार्ड सील मैंने बताया, पेंगुइन, आर्टिक वुल्फ, वैलरस, आर्टिक फॉक्स, पोलर बियर, देखिए इन सबके बॉडी पे फर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड से। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आप सबसे देखेंगे बियर्स के बारे में, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपका एनिमल है, कहाँ का, पोलर रीजन का। तो इसके जो होते हैं, इसके व्हाइट फर होते हैं, कैसे होते हैं,
वाइट फर, मतलब कि इनके बॉडी पे पूरा वाइट वाइट फर आपको ये देखने को ही मिल रहा होगा इस फिगर में, ठीक है, वाइट फर होते हैं जिससे इनको आसानी होता है कि वो स्नो में हिड कर जाते हैं, मतलब कि प्रीडेटर्स का मतलब होता है एनिमी। जब क्या होता है कि कोई दूसरे एनिमल इन पे अटैक करते हैं, एनिमी अटैक करते हैं कोई भी, तो ये क्या कर सकते हैं, ये बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फर भी क्या होता है, वाइट, और वहाँ का स्नो भी कैसा होता है आपका, वाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उनको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बाकी में, मतलब अगर वो छिप जाते हैं तो कोई भी प्रे जो होंगे इनको, प्रे कहने का मतलब एनिमी होता है, और प्रीडेटर्स कहने का मतलब भी एनिमी होता है, मतलब अपने प्रे या अपने प्रीडेटर से वो आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि स्नो भी वाइट होता है, इनका फर भी क्या होता है, वाइट, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या करेंगे तो आप बच भी सकते हैं, और सेकेंड पॉइंट आप समझिएगा कि जब बच भी सकते हैं तो छिप करके अपने दुश्मन को अटैक भी कर सकते हैं उस पर, यानी कि यहाँ पे इनके लिए एक प्लस पॉइंट भी है। इन द सेम वे इट मेक इट इजियर फॉर देम टू कैच देयर प्रे, अपने प्रे या अपने एनिमी को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए काफ़ी इनके पास अच्छा मौका होता है, क्योंकि इनका जो फर होता है एकदम वाइट होता है, ठीक है। इनका जो पोलर बियर्स जो होते हैं, इनके जो फर होते हैं वो डुअल लेयर के होते हैं, डुअल मतलब टू लेयर के होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि आपको पता है जो आपका पोलर रीजन्स जो होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का रीजन होता है, वो काफ़ी एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वो सिंगल फर से तो काम चलेगा नहीं, तो इन पे टू लेयर्स, हम क्या कह सकते हैं, डुअल लेयर होता है फर का, ठीक है, थिक फर होते हैं, मोटे से फर होते हैं, जिनकी वजह से वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। अगर पोलर बेयर के बारे में लिखने आएगा तो ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन करना है, ठीक है। चाहे तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप फर्स्ट वाला कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, हम ब्लैक ग्रीन से करते रहे, फर्स्ट थर्ड, ठीक है, उसके बाद और आगे पढ़ते हैं तो बताते जाते हैं। अब देखिएगा, ये जो पोलर बेयर्स होते हैं ना, वो धीरे 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 क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, मतलब कि एक तरीके से आप समझिए कि उनके पास काम होता नहीं ज़्यादा, तो एकदम धीरे धीरे चलते हैं और आराम से रेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उनके वजह से क्या होता है कि उनका बॉडी जो होता है, ठीक है, वो ओवर हीटेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके थिक फर उनके बॉडी पे होते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ समझने वाली बात है कि बहुत स्लोली स्लोली, अब देखिए हम लोग अगर जल्दी जल्दी दौड़ेंगे तो पसीना देखिएगा निकलता है, बॉडी गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे समझने एकदम आराम से चलते हैं, ये एकदम आराम से चलते धीरे धीरे, और क्या करते, रेस्ट भी करते, ताकि इनमें क्या हो कि डुअल जो ज़्यादा इनके बॉडी पे थिक फर है उसके वजह से इनको ज़्यादा अंदर में हीट महसूस ना हो, ठीक है। तो ये भी आपको, ये पॉइंट आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जो पोलर बियर्स होते हैं वो स्विम करते हैं, वहाँ पे पानी भी होती है, बर्फ़ जमा होता है तो पानी भी होती है, वहाँ जब बर्फ़ पिघलते हैं वहाँ पे, तो वार्म समय मतलब 6 मंथ्स जो आपका तो धूप निकलता नहीं, लेकिन बाकी 6 मंथ्स में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वार्म, जब उनका वार्म टेम्परेचर वहाँ का हल्का होता है, मतलब कि वार्म ही हल्का सा कम टेम्परेचर होता है, तो अपने आप को क्या करते हैं कि स्विम करते हैं, ताकि क्या कर सकें, अपना बॉडी को कूल रख सकें, ठीक है। इनका पॉज, पॉज मतलब पैर का इनका जो होता है, इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे हम लोग का टो होता है ना, फिंगर लेग का, उसी तरीके से इनका जो पॉज होता है ना पोलर बेयर का, या हम बोल सकते हो काफ़ी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, लार्ज होता है, जिसके वजह से क्या होता है, लार्ज होने का सब देखिएगा, जो स्विमर्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं तो अपने पैर में स्विमिंग वाला लगा के जाते हैं, ताकि इनको फ्लोट करने में मदद मिलता है। तो इनका लार्ज होता है पॉ, और वाइड होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से स्विम कर सकते हैं और स्नो पे भी वॉक कर सकते हैं। अब देखो आपको एक चीज़ समझाते हैं, एक चीज़ आपको समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, कि जिनका अगर हम बात करें कि जिनका पैर, आप देखिएगा इसको हम आपको रिलेट करते हैं एक चीज़ से, स्पेस है, हाँ, आप प्रेशर के, आप देखिएगा अगर हम आपको समझाते हैं कि आप जो लेडीज वर्कर होती हैं, ठीक है, तो उनको देखिएगा उन लोग हील्स ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है। अब अगर हम हील्स पहने, अगर कोई हम मिट्टी वाले जगह पे चले या बालू वाले जगह पे, तो आपको वो गड्ढा वहाँ पे देखिएगा हील्स के कारण देखने को मिलता है, लेकिन यही अगर हम अगर अपने नॉर्मल स्लीपर्स या शूज पहन के चले तो उतना ज़्यादा गड्ढा देखने को नहीं मिलता। कारण क्यों? क्योंकि जब हील्स जो होते हैं ना वो बहुत पतले होते हैं, अब पतले होते हैं और क्या होते हैं, इससे इनका एरिया बहुत कम होता है, एरिया देखिए कम लग रहा है ना, अब अगर हम चप्पल पहनते स्लीपर्स लगभग इतना एरिया लेता, अब ये हील्स इस तरीके से है तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इतना एरिया ले रहा है, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा गड्ढा बनता है। और चप्पल जो होता है वो थोड़ा, जो हम बात करें हमारा लेग जो होता है जिसमें जूता पहनते, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया ज़्यादा ले रहा है तो प्रेशर कम लगता है, तो गड्ढा कम बनता है। अब बोलिए हम ये क्यों समझाएं, मैं आपको समझ में आएगा
कि इनका जो पॉज होता है काफी ज्यादा ब्रॉड ब्रॉड चौड़ा होता है, जिसके वजह से स्विम भी आसानी से करेंगे। और स्नो पे अगर हम अगर अगर बोलते हैं ना कि कम एरिया रहता तो गड्ढा के कारण घुस जाता अंदर, प्रेशर ज्यादा पड़ने के कारण घुस जाता है, लेकिन पॉ इसका बड़ा होता है तो ये धंसने में नीचे धंसता नहीं है बर्फ के अंदर, वो आराम से स्नो पे चल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को इलेबरेट करने के लिए मैंने नीचे एग्जांपल दिया। ठीक है, जो पोलर बियर होते हैं वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं अंडर वाटर, आपको बताएं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं कि इनका जो जो नोस्ट्रिल्स होता है, ठीक है, इनका जो नोस्ट्रिल्स होता है, नोस्ट्रिल्स में तो समझते हैं जो नोज का होल्स होता है, नाक का जो होल होता है ना, हम लोग का नाक का होल है उसको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। तो पोलर बियर्स कैन स्विम अंडर वाटर एज वेल, मतलब पानी के अंदर भी वो स्विम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नोस्ट्रिल्स को क्लोज करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए। अगर नोस्ट्रिल्स बंद रहेगा तब पानी तो अंदर नाक के अंदर इंटर करेगा नहीं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं, तो ये आराम से क्या कर सकते हैं, नीचे में स्विम कर सकते हैं पानी के अंदर भी। अब देखो, आप चाहो पॉइंट यहाँ से मेंशन करो, आप चाहो तो पॉइंट आप यहाँ से ही मेंशन कर लो कि इसका कुछ स्पेशलिटी मैंने ऐसे करके बना दिया है कि यहाँ पे देखो इस कि इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। बेनिफिट क्या है पोलर बियर का, फ़ायदा क्या है कि उसका वाइट कलर के वजह से दिखेगा नहीं, अब इसका फर वाइट होगा तो ये विजिबल होगा नहीं, उसके साथ साथ इससे रिलेटेड ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कि इनका सूंघने का क्षमता क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही हाई होता है इनका। ठीक है, अब देखिएगा, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। देखिए, अब ये आपको पता है कि जब इनका सूंघने का क्षमता ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, ये पॉइंट रिलेटेड है। देखिएगा, ये वाला पॉइंट आपका रिलेटेड था इससे, ये वाला पॉइंट आपका रिलेटेड है इससे। जब इनका सूंघने का क्षमता ज़्यादा है तो कोई भी अगर प्रेडेटर आएगा तो स्मेल करके पहचान लेंगे कि यहाँ पे मेरा एनिमी है, यहाँ पे मेरा दुश्मन मौजूद है। अब देखो ये वाला पॉइंट देखते हैं, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इनका जो क्लॉज होता है, मतलब पैर का यहाँ का पंजा, वो बहुत लॉन्ग और कर्व्ड होता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, इनको चलने में बर्फ पे आसानी मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट रिलेटेड है, ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट इससे रिलेटेड है। अब देखो, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इनके स्किन के अंदर फैट का लेयर होता है जिसको चर्बी बोलते हैं, जिसके वजह से आपको पता है फैट क्या करता है कि इंसुलेट करता है। इंसुलेटर का वर्ड आपको पता होगा, इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जो कि हीट या करंट को पास होने नहीं देता, तो यहाँ पे सिर्फ हीट को समझेंगे, हीट को पास होने नहीं देगा। ठीक है, तो जब क्या होगा कि फैट इंसुलेट के बॉडी को इंसुलेट करता है, मतलब कि हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, और बॉडी को क्या करके रखता है, वार्म करके रखता है। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं कोल्ड को इंटर करने नहीं देगा और हीट को अंदर का बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, इसमें दो फर होते हैं जिसके वजह से क्या कर सकते हैं, ये कोल्ड वेदर में भी क्या कर सकते हैं, आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि इनका अपने बॉडी को वार्म रख सकते हैं। तो सारा पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड, देखो जैसे ये लाइन दिया ना, ये वाला इससे है, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। ठीक है, पोलर बियर को अच्छे से समझ में आ गया होगा आसान आसान पॉइंट से, आप चाहो तो ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अब आते हैं पेंगुइन के बारे में, तो आज उसको ये नेक्स्ट वीडियो में हम पेंगुइन के आगे आपको पढ़ाएंगे कि इतना स्पीड जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आज पेंगुइन तक से ही हम रोकेंगे, पेंगुइन आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पेंगुइन्स के बारे में कि पेंगुइन्स का क्या है। तो पेंगुइन्स जनरली होते हैं वो वाइट इन कलर होते हैं। कैसे होते हैं? वाइट इन कलर। ठीक है, उस वाइट इन कलर होने से फ़ायदा क्या होता है कि आसानी से स्नो में क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको और समझना चाहें तो देखिएगा, इसका जो स्किन होता है वो क्या होता है, थिक होता है, जिसका आप थिक करने का मतलब उसमें फैट जब ज़्यादा होगा तो फैट होगा तो वो जो आपको पता है फैट क्या करेगा, इंसुलेट करेगा उनके बॉडी को, मतलब कि कोल्ड वेदर में भी उनको आसानी से सर्वाइव करने में मदद करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें वो इंसुलेटर, इंसुलेटर का आपको मैंने मतलब बताया कि वो क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, निकलने नहीं देगा और कोल्ड को अंदर इंटर करने नहीं देगा। तो यहाँ पे इनका जो स्किन होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, जो कि क्या करता है, ये इंसुलेटर का काम करता है और उन्हें कोल्ड वेदर में भी सर्वाइव करने में मदद करता है, कोल्ड वेदर में सर्वाइव करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आप ये सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखते हैं कि आपको देखिएगा, पेंगुइन्स को जब भी अकेले नहीं होते, जब भी आप टीवी वगैरह में देखते होंगे तो वो साथ साथ चलते हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दे लिव इन क्राउड और नेस्ट, मतलब एक ग्रुप बना के, झुंड बना के चलते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि अगर आपस में ये सब साथ रहते हैं तो ये अपने आप को गर्म रह सके, गर्म रख सके। ठीक है, पेंगुइन्स का वेब्ड फीट होता है। व्हाट इज वेब्ड फीट? वेब्ड फीट देखिएगा, इस तरीके का फीट होता है, आप अगर स्विमर्स को देखिएगा तो ये इस तरीके का कुछ होता है उनका फीट, मतलब एक तो फिंगर जो होता है दूसरे फिंगर से अटैच्ड होता है। ठीक है, वेब्ड फीट होता है, जिसमें क्या इनको स्विमिंग करने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पेंगुइन्स का इसमें फीचर्स दिया, अडेप्टेशन क्या क्या है वो देखेंगे।
तो वाटर में देखिएगा क्या इनका अडेप्टेशंस है। वाटर में इनका अडेप्टेशंस क्या है कि मूवमेंट में इनको मदद मिलता है। कैसे? इनमें क्या होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। मतलब ये देखिएगा, ये ब्लैक, आपको ब्लैक्स तो नहीं दिखेगा, ये वाला विंग्स और उधर भी एक विंग्स होते हैं, मतलब पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनको वाटर में फॉरवर्ड मूव करने में मदद करते हैं। प्रोपेल मतलब मूव करना, क्या करना, मूव करना, यानी कि पानी में आगे मूव करने में मदद करते हैं। इनका जो होता है बॉडी में सॉलिड बोन्स होता है, जिसके वजह से पानी में आसानी से डाइव कर सकते हैं। डाइव मतलब समझते हैं, डाइव का वर्ड का मतलब बताता है, जब कोई स्विमर पानी में स्विम मारता है तो क्या करता है, वो अपना हेड और अपना हाथ को आगे करके पानी में जो डुबकी लगाना जिसको बोलते हैं, तो ये डाइव मूव मतलब पानी में जो इसको डाइव करने में मदद मिलता है, चलने में मूव करने में मदद मिलता है। इनका बॉडी जो होता है स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एकदम आगे चपटा पीछे चपटा, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ऊपर चपटा नीचे चपटा होगा, तो इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगा। स्ट्रीमलाइंड रहने से फ़ायदा क्या होता है कि इनको मदद मिलता है किस चीज़ में, हेल्प टू रिड्यूस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहने का मतलब कि अगर जैसे कि वो चल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब उनको कोई अपोज करता है। जैसे मान लो, हम आपको समझाते हैं, हम इस तरफ से चल रहे हैं और हवा इस तरफ से चल रही है, तो हमारा स्पीड को क्या करेगा, ये कम करेगा हवा, तो ये रेजिस्टेंस हुआ, तो मतलब अपोज करने वाला जिसको बोलते हैं। तो हेल्प टू, इसका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस, इसको उनको सामने से जो प्रॉब्लम होती है आगे मूव करने में, उनको क्या करता है, उनमें दिक्कतें नहीं आती है। जो बोट होता है, वो बोट के बारे में बताएं, यहाँ पे स्लाइड भी स्पेस नहीं है। बोट नाव जो होता है, हमारा नाव जो होता है, इस तरीके से अगर हम फिगर बनाना चाहें, इस तरीके का होता है ना, तो आगे देखिएगा एक पतला होता है, पीछे भी देखिएगा ये पतला होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, ताकि पानी में क्या कर सके, ये जब चले तो वाटर का बहाव की वजह से ये पीछे की ओर ना बढ़े, मतलब इनको अपोज ना हो सके। उसी तरीके से मछलियाँ का भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो इस तरीके का मछली का स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी स्ट्रीमलाइंड कहलाता है, मतलब देखिएगा नैरो है ना आगे इस तरीके से। तो ये सब क्या है, वो क्या करता है कि बहाव को, मतलब कि जो उस तरफ से, जिस तरफ में वो बह रहे हैं, उसको अपोज करने में क्या करता है, वो मदद नहीं करता, मतलब कि वो अपोज नहीं कर पाता है, मतलब आसानी से वो आगे मूव कर सकते हैं। जैसे हम अगर आगे बढ़ रहे हैं और सामने से हवा चल रही है, तो हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा जब हमारा बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगा, ठीक है। वाटर प्रूफ फेदर, इनका जो फेदर होता है वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ रहने का मतलब समझिएगा, अगर जल्दी भीगेगा नहीं तो उनका वेट हैवी नहीं होगा और आसानी से वाटर में स्विम करेंगे, ठीक है, या अब पानी में आसानी से स्विम कर सकते हैं। तो वाटर प्रूफ होता है, मतलब कि वेदर फेदर इनका हल्का भीगेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, इनका इनका वेट उनका बढ़ेगा नहीं और आसानी से क्या करेंगे, पानी में स्विम करेंगे। ब्रीथ को लेकर के देखते हैं, ब्रीथ के लिए क्या अडेप्टेशंस मिला हुआ है। इनके पास एक स्पेशल ब्लड और मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि इंक्रीज ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है बॉडी में, क्या करता है, इंक्रीज करता है, जो कि क्या करता है, मदद करता है किस में आपका, उनको अंडर वाटर डाइव करने में, अंडर वाटर डाइव करने में, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम और भी कुछ समझे, तो डाइट की बात करें, डाइट में उनका फूडिंग में, ठीक है, जनरली ये फिश को क्या करते हैं, फिशेस को से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रोटेक्शंस की बात समझा, प्रोटेक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया कि ग्रुप में चलते हैं, ठीक है, ये गार्ड अराउंड द एग्स, अपने एग्स जो होते हैं उनको उनको गार्ड करते हैं। स्विमिंग जिगजैग थ्रू द वाटर, जिगजैग मतलब इस तरीके से टेढ़ा लंगड़ा लूला ऐसे करके वो वाटर में स्विम करते हैं, ठीक है। वार्म रहने के लिए क्या इनमें स्पेशलिटी है कि एक लेयर ऑफ ओवरलैपिंग फेदर आपको देखने को मिल रहा होगा, ओवरलैपिंग फेदर ब्लैक ब्लैक का, ठीक है, जो कि कोटेड किया होता है ऑयल से, ताकि इसमें मदद मिलता है क्या, इनको हेल्प देम टू मेक पॉकेट्स ऑफ एयर अंडरनीथ देयर फेदर्स। इनको लगेगा पॉकेट, जैसे कि आप जब ये अपना फेदर को ऐसे रख लेंगे ना, ये वाला जो दिख रहा है इस तरीके से, तो लगेगा ही नहीं कि आपको इस तरीके की पॉकेट तरीके ना पूरा बॉडी में अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड है। अब इनको क्या होता है, जब इस तरीके से रखते हैं, तो इनका पूरा बॉडी को क्या करता है, वो हीट को होल्ड करके रखता है। कहने का मतलब, अगर हीट बॉडी से बाहर निकलेगा नहीं, जब इनको टाइटली वो फिक्स करके रखेंगे, तो क्या होगा, हीट बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, जो कि आपका एक पेंगुइन्स में देखने को मिले। माइग्रेटरी बर्ड्स इन द पोलर रीजन, देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स से पहले आपको एक डेफिनेशन आपको मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह में किसी एनिमल्स का मूव होना, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड, या बोल सकते हैं कि अपने भोजन के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं सर्वाइव करने के लिए, तो उसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। तो बर्ड्स, आपको पता है कि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा 6 महीना ठंडा होता है,
तो जो पोलर रीजन के जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं कुछ गर्म वाले जगह पे, जहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइव कर सके वो 6 मंथ्स तक। फिर वापस से वो 6 मंथ्स के बाद वो विंटर सीजन में जैसे ही ख़त्म होता है वो वापस चले आते हैं। एग्जाम्पल में आपका साइबेरियन क्रेन है, जिसका मैं फिगर आपको दिखा दूंगा, ये माइग्रेट कर जाते हैं राजस्थान हरियाणा के तरफ, या हम कुछ बोल सकते हैं कुछ और रीजन जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के तरफ। नॉर्थ ईस्ट आप समझ रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया जो है, लाइक हम बोल सकते हैं जो हमारा नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, इस तरफ वो चले जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पे रीजन कहने का मतलब इसलिए क्योंकि वहाँ पे ठंडा इतना ज़्यादा होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जिस समय विंटर सीजन होता है तो क्या कर जाते हैं, वो साइबेरिया की तरफ चले जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि आपका वो इंडिया की तरफ, आपका राजस्थान हरियाणा की तरफ चले जाते हैं ताकि विंटर से बच सकें, ठीक है। तो ये आपका माइग्रेटरी बर्ड्स का डेफिनेशन हो गया। दीस बर्ड्स दैट माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग ए चेंज इन वेदर आर ऑफन कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। वैसे बर्ड्स जो कि वेदर के चेंज के कारण एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। आपको माइग्रेशन का मैंने डेफिनेशन भी बता दिया कि माइग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अब ये देखिए, दे कैन ट्रैवल अप टू इंस्टेंस ऑफ 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर तक सोचिए वो ट्रैवल करते हैं, इसलिए ताकि अपने आपको कोल्ड इन्वायरमेंट से, कोल्ड टेम्परेचर से बचा सकें। तो सच बर्ड्स माइग्रेट टू द सेम प्लेसेस एवरी ईयर। तो वैसे बर्ड्स जो होते हैं हर साल क्या करते हैं, माइग्रेट उनको करना पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें अपना जान बचाना होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई बहुत ज़्यादा ऊंचा में फ्लाई करते हैं, ताकि जिनके वजह से जिनको जो हीट जनरेट होता है उनके फ्लाइट विंग्स के जरिए, वो क्या हो सकता है, वो आराम से ठंडा हो सके। देखिएगा जब वो अपना विंग्स को ये करेंगे, ठीक है, जैसे हम ही लोग अगर हाथ हिला करके दौड़ते हैं पूरी तरह तेज से, तो देखिएगा पूरा गर्मी बॉडी में ये हो जाता है। तो उसी तरीके से जब बर्ड्स इतना दूर फ्लाई करके, कितना दूर किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी हाई में फ्लाई करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि ऊपर जितना जाएगा वहाँ पर उतना आपको कोल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, वेदर के पास। तो वहाँ पर जिस तरीके से फ्लाई करेंगे तो अच्छे तरीके से उनका विंग्स फ्लाई करेगा, मतलब वर्क करेगा फ्लाई कंडीशन में, और उनका बॉडी का हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब मतलब नहीं होगा, मतलब आराम से उनको बॉडी में हल्का सा कोल्ड रहेगा, ताकि आसानी से फ्लाई करके दूर तक ट्रैवल कर सकें, ठीक है। तो आज यहीं तक हम रुकेंगे, आपको फिगर दिखा देते हैं साइबेरियन क्रेन का। ये देखिएगा, ये साइबेरियन क्रेन का फिगर है, ये आपका साइबेरियन क्रेन का फिगर। इतने लॉन्ग लेग्स होते हैं इनके, लॉन्ग बीक्स भी होती हैं, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं ये, एक जगह से जो ये आपको माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से दूसरे रीजन में क्या कर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और हमारा बच गया आपका कुछ अडेप्टेशन है कुछ एनिमल्स का, ठीक है। तो ये सब कुछ एडेप्टेशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए हम वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं यहीं पे, और होमवर्क आप लोग को दे देंगे। कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है।